नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूं, जो कि बेनार्ड रोड पे लोकेटेड है। और बात की जाए अगर इस विला की, तो विला जो है JDA अप्रूव्ड है। पानी की अगर बात की जाए तो पानी के लिए वहाँ पर बोरिंग आपको दिख रहा होगा। और मेन बेनार्ड रोड से अगर बात करूँ तो आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और दादी का फाटक यहाँ से बहुत ही पास में पड़ता है। और बात करूँ अगर दिल्ली अजमेर हाईवे की, तो वो भी यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 62 गज में बना हुआ है। और डायमेंशन की अगर बात करूँ तो डायमेंशन यहाँ पर जो है आपको 16x32 का पड़ जाता है। और साथ ही ईस्ट फेसिंग का मकान मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, देख लीजिए किस तरीके का फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। और बाहर से आप देख रहे हैं ये 30 फीट की रोड निकल रही है। और मेन रोड से मैंने आपको बताया, मेन जो बेनार्ड रोड है वहाँ से जो है आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बर्म कुछ इस तरीके की दी गई है कि आप आराम से इजीली अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ ले जा सकते हैं और आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो है फोर व्हीलर इजीली पार्क हो जाएगी, सेडान कार तक यहाँ पर इजीली पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मेन एंट्रेंस दिया गया है, जिसको कि आयरन का है। और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर क्वालिटी यहाँ पर आपको दी गई है। अभी हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली इस पॉर्च के अंदर। और पॉर्च की अगर साइज़ की बात करूँ तो स्पेसिस साइज जो पॉर्च यहाँ पर आपको मिल रहा है, इस साइड में आपको दिया गया है यहाँ पर वाटर टैंक प्रोविज़न। आप अपना पानी जो है यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इस साइड में आपको मिल जाता है, यहाँ पर इस साइड में देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस साइड में जो है आपको एक गैलरी मिल जाती है, जहाँ पर अपना प्लांटेशन वगैरह कुछ करना चाहे तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। JDA अप्रूव्ड है, 90% लोनेबल है। यहाँ पर लोन की अगर बात की जाए तो इजीली यहाँ पर 90% लोन हो जाएगा। और विला के अंदर लेकर के चलूँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, इस घर का नक्शा देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल AR डिज़ाइन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कस्टमाइज मैप बनवाना चाहते हैं तो वो भी हम बनाते हैं रीजनेबल प्राइजेस पे, लेकिन वहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे, उसी पे कॉल कीजिएगा। आप बिल्डर को कॉल मत कर दीजिएगा, वो आपको नक्शा प्रोवाइड नहीं कराने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का कुछ मेन एंट्रेंस है, और विंडो दी गई है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका जो है इस विला के अंदर होता रहेगा। अब चलेंगे डायरेक्टली विला के हॉल के अंदर। और हॉल के अंदर चलने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे 2-साइडेड यहाँ पर जो है वुडन का आपको डोर मिल जाता है। सनमाइका जो है प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पर आपको लगा करके दी गई है। अभी हम लोग आ गए हैं इस हॉल के अंदर। हॉल के साइज़ की बात करूँ तो 13x16 का साइज़ यहाँ पर मिल जाता है। टाइल्स का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 2x4 की जो है इधर रेक्टिफाइड टाइल आपको लगा करके दी गई है। ऊपर की अगर बात की जाए तो फुल सीलिंग डिज़ाइन आपको ऊपर के साइड में मिल जाता है, और फैन का प्रोविज़न यहाँ पर आपको मिल रहा है। सामने की साइड में जहाँ पर जो है टेक्सचर डिज़ाइन आपको करके दिया गया है, जो कि बहुत ही एक यूनिक तरीके का टेक्सचर डिज़ाइन आपको दिया गया है। हॉल के साथ अटैच होते हुए यहाँ पर एक बाथरूम आपको मिल जाता है। बाथरूम की अगर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो साइज़ मिल रहा है बाथरूम का, स्पेसिस साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पर जो है इंडियन शीट आपको लगा करके दी गई है। पीछे के साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो ये आपने देखा हॉल, ये देखा बाथरूम। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर इसका जो है रूम बैक साइड वाला। और रूम के बैक साइड की अगर बात की जाए तो 11x12 का साइज़ यहाँ पर रूम का दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिल रहा है। उस साइड में देखेंगे वहाँ पर राइट हैंड साइड पर, तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर एक वार्डरोब। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग डिज़ाइन आपको दिया गया है। ईस्ट फेसिंग का मकान है, 62 गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है, बेनार्ड रोड पर लोकेटेड है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते थे कि बेनार्ड रोड पर हमारे लिए कुछ अच्छी प्रॉपर्टी लेकर के आइए, तो उनका सबर जो है पूरा हो चुका है। अब हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके की प्रॉपर्टीज आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग आ गए इसके OTS के ऑप्शन की ओर, जहाँ पर आपने वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह इसे यूज कर सकते हैं। बाकी अच्छा एक एरिया यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिससे कि यहाँ पूरा वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, जिससे कि ऊपर की साइड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पास में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। बात की जाए मेन मार्केट की, बात की जाए यहाँ से अगर आपके स्कूल की, कॉलेज की, तो सारी ही सुविधाएं यहाँ पर आपको बहुत ही नीरेस्ट मिलने वाली है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर इसकी मॉड्यूलर किचन की। स्टेयर्स यहाँ पर अंदर से दी गई है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के जाएगी। अभी हम लोग आ गए हैं इसके रूम की, इसके किचन की ओर। और साइज़ की बात करूँ तो 8x10 का साइज दिया गया है, एल शेप में बना करके दिया गया है। नीचे की साइड में प्रॉपर ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ऊपर की साइड में प्रॉपर स्पेस आपको दिया गया है, जहाँ पर आपका जो भी सामान हो ईजिली आप रख सकते हैं। इस साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विंडो का प्रोविज़न है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपकी होती रहेगी। और साथ ही आपको ग्लास काट करके दिया गया है। इन फ्यूचर कभी भी आप यहाँ पर चिमनी लगवाएंगे तो बाद में ग्लास काटने की जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। अभी हम मैं लेकर के चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर मार्बल का यूज किया गया है स्टेयर्स पे। और रेलिंग की अगर बात की जाए तो SS स्टेनलेस स्टील जिंदल की यहाँ पर यूज़ की गई है, और बीच में टफन्स का यूज़ किया गया है। अभी ऊपर की साइड में 2 रूम दिए गए हैं। प्राइस मैं आपको अभी बता दूँ, 37 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस होने वाला है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हैं तो बिल्डर को कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर साथ ही जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर चलते हुए दिख रहे होंगे। सामने की साइड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये टेक्सचर डिज़ाइन। ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको जो है सीलिंग डिज़ाइन। और इस साइड में, मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हॉल के साथ में अटैच होते हुए
यहाँ पर मिल जाता है आपको एक बाथरूम। बाथरूम की अगर साइज की बात करूँ तो स्पेसिस साइज में बाथरूम है जो कि 4x8 का दिया गया है। वेस्टर्न शीट लगा सकते हैं ऊपर की साइड में, वहाँ पर आपको जो है वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है। वेस्टर्न शीट यहाँ पर आपको लगा करके दी जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इसका सेकंड बेडरूम, फुली डुप्लेक्स में आज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 62 गज में होने के बाद में भी ये जो है साइज काफ़ी स्पेसेस है और साथ ही रूम के साइजेस भी बड़े बड़े हैं। और साइज़ के अगर रूम की यहाँ पर बात की जाए तो स्पेसेस साइज यहाँ पर आपको रूम का दिया गया है। और सामने की साइड में आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिल रहा है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये मिल जाता है इसका वार्डरोब का ऑप्शन। उस साइड में आप देखेंगे आपके कैमरे के घुमा करके उस साइड में आपको मिल रहा है इसका बैकहेड का एरिया, जहां पर कि आप वॉशिंग एरिया की तरह या फिर इसे यूज़ कर सकते हैं स्टोर रूम की तरह। तो ये देखा आपने बैकहेड का एरिया। साइज़ बता दूँ 12x11 का रूम साइज़ है, स्पेसेस साइज़ है और यहाँ पर एसी का सेपरेटली आपको पॉइंट भी मिल जाता है। यहाँ से होते हुए हम लोग आ गए वहाँ फिर से इसके हॉल की ओर, और हॉल से होते हुए जाएंगे फिर से इसके थर्ड बेडरूम की ओर। और हॉल की मैंने आकर साइज़ की बात नहीं की है, तो 13x9 का साइज़ यहाँ पर जो है इस हॉल का दिया गया है। आप इन्हें अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसके थर्ड बेडरूम की ओर, और बेडरूम के साइज़ की बात करूँ 16x12 का साइज़ दिया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे 62 गज में इतना बड़ा साइजेस, रूम के साइजेस कैसे हैं। आप एक बार प्लीज़ प्रॉपर्टी विजिट कीजिएगा, उसके बाद में आपको प्रॉपर समझ में आ पाएगा। बेनार्ड रोड पे लोकेटेड है, यहाँ से दादी का फाटक जो है पास में पड़ता है, नाड़ी का फाटक पास में पड़ता है, रेलवे स्टेशन पास में है, बस स्टैंड पास में है, यानी कि सारी सुविधाएँ यहाँ पर आपको पास में दी गई है। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग डिज़ाइन है, टेक्सचर यहाँ पर करके दिया गया है। इस साइड में आपको विंडो का प्रोविज़न मिल रहा है, उस साइड में आपको वार्डरोब मिल रही है, जो भी आपका सामान हो कपड़े वगैरह आप रख पाएंगे। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका बालकनी। बालकनी की अगर साइज़ की बात करूँ तो 3 फीट की बालकनी दी गई है। आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया मैं आपको छत से दिखाने की कोशिश करूँगा कि आसपास का पूरा सराउंडिंग एरिया किस तरीके का है। तो आ जाइए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसके रूफ पर, इसके छत पर, और वहाँ जा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का ये ऊपर से बना हुआ है। प्राइस मैंने इसका आपको बता दिया है, इसका प्राइस होने वाला है 37 लाख रुपये। ऑन टेबल निगोशिएबल रहेगा। पानी की आपको बोरिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। सीवरेज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ही नीरेस्ट मिल जाती है।